और अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां पर चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई के शिवाजी पार्क में चुनावी रैली को संबोधित किया। सबसे खास बात यह रही कि इस रैली में डिप्टी सीएम अजीत पवार या उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। अपनी रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने महाविकास अघाड़ी नेताओं पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेता तुष्टिकरण के गुलाम हैं। वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। महाअघाड़ी के लोग तुष्टिकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अघाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, ये वो अघाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं, ये वो अघाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं, ये वो अघाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। वहीं शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बगैर नाम लिए पीएम ने राहुल पर तंज कसा और कहा कि वो अक्सर कोरे कागज वाला संविधान लहराते दिखाई देते। ये लोग संविधान, और वो भी कोरे कागज वाला संविधान, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा संविधान। लेकिन देश को मैं बताना चाहता हूं, इस देश के लिए शर्म की बात है, हम सभी देशवासियों के लिए शर्म की बात है कि आजादी के बाद 6-7 दशक तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान, जो हम सबको चलाता था, वो बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ था। उन्होंने महायुति नेताओं के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि उद्धव ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। कल संभाजी में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे विरोधियों पर बरसे और कहा कि महायुति के नेताओं ने भगवे को कलंक लगाया। प्रत्येक वेळेला उद्धव ठाकरे हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्व सोडलं। अरे भगव्याला कलंक तुम्ही लावलात, गद्दारीचा डाग तुम्ही लावलेला आहात। आणि आज स्पष्ट मी आरोप करतोय की तुम्हाला महाराष्ट्र मी लुटू देत नव्हतो आणि देणार नाही, म्हणून तुम्ही मला संपवायला निघालेला आहात। कारण त्यांना माहितीये तुम्ही माझी माणसं फोडली, गद्दारी करून अगदी डोक्यावरती बसवलं, ते तुमचे बूट चाटतायत। पण तुम्हाला माहितीये की महाराष्ट्र जो लुटायला येईल त्याच्या पेकाटात बुटाची लाट घालणारा पहिला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असेल। आता ते सगळं तुमच्या हातामध्ये, मी इथे नुसतं काय प्रवचन द्यायला नाही आलो। गेल्या वेळेला झालेली चूक तुम्ही सुधारणार आहात की नाही हे पहिलं मला सांगा। निष्ठेने महाराष्ट्राबरोबर निष्ठा तुमची आहे की नाही हे मला सांगा। तुमची निष्ठा महाराष्ट्रापाशी आहे की गुजरातपाशी आहे हे ठरवणार ही निवडणूक आहे। महाराष्ट्र आपल्या हातामध्ये ठेवायचा आहे का मोदीशांच्या हातामध्ये ठेवायचं आहे हे तुम्ही ठरवायचंय। और महाराष्ट्र चुनाव में कल राहुल गांधी भी एक्शन मोड में नजर आए। नांदेड़ में उन्होंने रैली की और धारावी और अदानी के मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला बोला। धारावी को अदानी जी के हवाले कर दिया, सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अदानी की है, उसने खरीदी आपकी सरकार। एमएलए खरीदवाए, मीटिंग में बैठा, यह सच्चाई है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अदानी को अंबानी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनका धन बढ़ता जा रहा है। एयरपोर्ट मिल गए, पोर्ट्स मिल गए, सड़कें मिल गई, अब धारा भी दिया जा रहा है। नुकसान आपका है, नुकसान सोयाबीन के किसान का है,
नुकसान मजदूर का है, नुकसान बेरोजगार युवा का है। और आप लोग देखते रहते हो, आपके आंखों के सामने हो रहा है और आप देखते रहते हो, धारा भी आपके आंखों के सामने छीनी जा रही है।